चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर SSC GD का यहाँ पर GK और GS का यहाँ पर सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हमने यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर के GK और GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना रहती है हमेशा हमारे आगामी परीक्षाओं में। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए GK और GS के क्वेश्चन हैं, ये हमारे अदर कॉम्पिटिशन के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर SSC GD के लिए ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो, बल्कि हमने यहाँ पर लिए हैं इनके जो प्रीवियस ईयर के जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लिए हैं। और हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्पिटिशनों में हमारे, जैसे हमारा SSC GD का है तो SSC CGL का है, या फिर हमारा आर्मी का है, अदर इस तरह के कॉम्पिटिशन के हमारे होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए आप हर एक कंपटीशन के लिए इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर क्वेश्चनों को आप गौर से देखेंगे और इनसे हम रिलेटेड यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ये हमारे यहाँ पर जीएस पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा का क्या मतलब होता है पहले आपको ये जानना होगा। अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, देखिए, जो बहुत दिनों के बाद वर्षा होती है उसमें हमारी अम्ल की मात्रा होती है, इसलिए हम बोलते हैं उसे अम्लीय वर्षा। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है या हमारी बिल्डिंगों के लिए भी हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा के कारण वो क्या होती है, हानिकारक होती है। देखिए, वो अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये हमें जानना आवश्यक है कि उसमें क्या होता है जिसके कारण वो अम्लीय होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें मिक्स होता है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। NO2 और SO2 की मात्रा मिली होती है, तो इनके कारण, इन दोनों के कारण यहाँ पर क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और हमारा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए, ऑप्शन नंबर ए वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है या फिर अम्लीय वर्षा किनके कारण होती है, तो आप इजीली बता देंगे। और हानिकारक भी होती है, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा होती है और अम्ल वहाँ पर क्रिया करने लगता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अब देखिए, ये भी कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए, जो हमारी हवा है, हमारे जो चारों ओर वायुमंडल में हवा की जो मात्रा है प्रतिशत में, वो क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जो हमारी CO2 होती है, जैसे हम बाहर छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तो उसकी क्या मात्रा होती है हमारे यहाँ पर बाहर पर्यावरण में, वो हमें बतानी है। देखिए, ये हमारी होती है 0.04% के समथिंग होती है। यहाँ पर देखिए, इतने प्रतिशत के लगभग बराबर होती है। और इनके अलावा यहाँ पर अन्य जो हमारी गैसें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा 78% होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर 78% है, और ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन हमारी जो हम लेते हैं वो 21% होती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर CO2 का हमने देखा 0.04%। तो ये हमारी मात्राएं होती हैं, आपको ध्यान देना है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उपस्थित है, तो आप नाइट्रोजन बता देंगे। अब कितनी है वो आप यहाँ पर 78% बता देंगे। कभी आ जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आप ये भी बता देंगे। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ताकि उससे रिलेटेड उसके अदर पहलू भी आपको क्लियर हो जाएं। आप क्वेश्चन को केवल इस तरीके से मत पढ़िए कि आप केवल वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो उसका है उसमें आप टिक कर देंगे, बल्कि आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जब, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप क्या करें, रिवाइज कर लें। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही आए, वहाँ पर आपने नाइट्रोजन रख के देख लिया, वहाँ पर आपने ऑक्सीजन रख के देख लिया, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ये हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन था और ये ऑक्सीजन और ये
कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए हमारे यहाँ पे जो मनुष्य के यहाँ पे जो ह्यूमन जेनेटिक होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं वो हमें बताना है। यहाँ पे देखिए मनुष्यों के जो गुणसूत्रों की संख्या है वो देखिए यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों का हमारा आएगा। देखिए स्त्री में और पुरुष में दोनों में कितने होते हैं? 22 22 हमारे कॉमन होते हैं और जो 23वां होता है वो हमारा यहाँ पे डिफरेंट होता है, एक्स और वाई होता है। तो टोटल हमारे कितने हुए यहाँ पर? टोटल हमारे 23 हो गए हमारे 46 हो गए 46। तो टोटल यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या है मनुष्य में वो कितनी होती है? 46 होती है। यदि आपसे केवल एक का पूछा जाए मेल या फीमेल का तब आप वहाँ पे बताएंगे कि हमारा 22 प्लस 1 23 होता है, लेकिन जब मनुष्य की बात की जाए तो टोटल वहाँ पाएंगे टोटल कितने गुणसूत्र हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा कि मनुष्यों में 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? अब देखिए किडनी की मौलिक इकाई यहाँ पे एक जैसे हमारा हर एक चीज़ की एक मौलिक इकाई होती है, जैसे हमारे शरीर की एक मौलिक इकाई यहाँ पे कोशिका होती है, वैसे ही हमारे एक बिल्डिंग की एक मौलिक इकाई जैसे हमारे एक पत्थर या एक ईंट होती है, वैसे ही यहाँ पे एक किडनी की जो मौलिक इकाई हम बोलते हैं एक यूनिट होती है जो वो हमारी यहाँ पे क्या होती है वो हमें बताना है। देखिए वो यहाँ पे नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन यहाँ पे किडनी की मौलिक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। और किडनी पर एक आधारित क्वेश्चन हमारा एक और आता है दोस्तों, हमारा रक्त को शुद्ध हमारा कौन सा वाला भाग करता है? ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर किडनी पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है काफ़ी बार। देखिए कौन सा जीवाणु होता है जो दूध से दही में परिवर्तन करता है दूध को? अब देखिए दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए हमारा क्या यूज में आता है? जीवाणु आता है। अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दूध से दही बनाने में किसका योगदान होता है? नीचे से क्वेश्चन आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन है जीवाणु दिया होगा, विषाणु दिया होगा, या फिर आपको कवक दिया होगा, शैवाल दिया होगा, तो आपको उनमें से एक को टिक करना होगा। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? जीवाणु। पहला तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि जो दूध से दही बनने में योगदान होता है वो किनका होता है? जीवाणुओं का होता है, बैक्टीरियाज का होता है। ये आपका पहला एक क्वेश्चन बन रहा है। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन रहा है, एक हमारे यहाँ पर पूछा गया जो कि जीवाणु होते हैं तो उनका नाम क्या है? वो जीवाणु देखिए वो हमारे लैक्टोबेसिलस हमारे होते हैं, उनका नाम लैक्टोबेसिलस होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला दिख रहा है यहाँ पर, लैक्टोबेसिलस नाम के जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण यहाँ पर दूध से दही बनता है। और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी आता है कि दूध से दही बनना हमारी कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए हम यहाँ पर लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। जीएस का हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन आपको जानना होगा, सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता क्या है? देखिए हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो हमारा रक्त में उपस्थित होता है, जो रक्त होता है रक्त में उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो ये चीज़ कॉमन हमारी दो तीन क्वेश्चन अब बनते हैं कि हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? रक्त में होता है, और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में देखिए आयरन उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयरन ही हो जाएगा, आयरन अर्थात लोहा। तो लोहा यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक हुआ, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है आयरन जो हमारा रक्त में घुला रहता है, और इसका जो मुख्य घटक हो गया, मुख्य स्रोत हो गया, वो हमारा क्या हो गया? आयरन ही हो गया, लोहा हो गया, एक पार्ट जो है
तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर GST क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमने यहाँ पे देखे, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और हम इस तरह के क्वेश्चनों को और देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे GK के क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमने यहाँ पे GK के कुछ क्वेश्चन लिए हैं उनको हम देखते हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। अब देखिए, जो भारतीय हमारी सेना है, जो हमारी इंडियन फोर्स है, उसमें कमानों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है यहाँ पे। देखिए, कमानों की संख्या हमारी जो फोर्स में है वो हमारी 7 है, 7। तो 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना में कमानों की संख्या 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला दिख रहा है, तो इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही रिपीटेड होते हैं बार बार हमारे जो दिवस वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये हमारा यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7th अप्रैल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। 7 अप्रैल को ही हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इस पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, देखिए दिवस पर आधारित एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप जब भी तैयारी करें तो इनके दिवस आप ज़रूर पढ़ लें। हमारे जैसे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर पूछा गया है, हमें कभी पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कभी पूछ लिया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, या फिर आपको कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन इन पर आधारित हमारे एड्स दिवस, या यहाँ पर जो सफाई का जो अभियान का जो हमारा दिवस है वो दिवस, हर एक दिवस यहाँ पर आपको पता होने चाहिए, उनकी यहाँ पर तारीख आपको और उनका सन वहाँ पर पता होना चाहिए, ताकि आप उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। दो क्वेश्चन हमारे इन पर आधारित लगभग आते हैं, तो आप इनको दिवस वालों को पढ़ लेंगे सभी को। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि हमारा यहाँ पर पूछा गया जो क्वेश्चन है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस का पूछा गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगले बार में भी यही पूछा जाए, वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर मानवाधिकार दिवस के बारे में पूछे, या फिर एड्स दिवस के बारे में, या फिर हमारे अन्य कोई दिवस के बारे में। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन मतलब जिसमें यहाँ पे जिस आंदोलन का मकसद था कि हमें किसी का सहयोग नहीं करना है, जो अंग्रेज थे, जो फरंगी थे, उनका सहयोग नहीं करना है, अर्थात हमें उनका कहना नहीं मानना, उनकी आज्ञा का की अवहेलना करनी है, तो वही हमारा एक असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका एक तो क्वेश्चन हमारा बन गया कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने, और एक हमारा बनता है यहाँ पे असहयोग आंदोलन का क्या मकसद था, और एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो ये यहाँ पर 1920 में शुरू किया गया था, 1920 यहाँ पर सन में, ईस्वी में। तो ये आपका यहाँ पे आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे आधारित यहाँ पे सभी जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको आप बना के इस तरीके से तैयार करेंगे। अब देखिए, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन है, एक क्वेश्चन आपका ये बना। और दूसरा क्वेश्चन आपका, यदि अमेजन है तो वो कहाँ से बहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से बहती है। देखिए, वो हमारी दक्षिणी अमेरिका से बहती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन है वो दक्षिणी अमेरिका से बहती है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। देखिए, सऊदी अरब यहाँ पर हमारा एक देश हो गया, और उसकी यहाँ पर मुद्रा क्या है वो हमें बताना है। मुद्रा मतलब वहाँ की जो करेंसीज है, वो करेंसी हमें बतानी है यहाँ पर क्या होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा यहाँ पर अभी हमने देखा था दिवसों का आता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर एक करेंसीज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये क्वेश्चन भी हमारा हर एक बार पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, जो भी हमारे जितने भी यहाँ पे जो मुख्य मुख्य देश हैं उनकी करेंसीज आपको याद रखनी है, ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाएं उन पर आधारित आप वहाँ पे सही कर सकें। एक क्वेश्चन हमारा मोस्टली यहाँ पे पूछा जाता है, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हर एक कंपटीशन में यहाँ पे जैसे हमारा पूछा गया है सऊदी अरब की मुद्रा, वैसे हमारा हो सकता है वहाँ पे पूछ लिया जाए भारत की मुद्रा, तो ठीक ही हमारा जैसे हमारा रुपया है पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, वैसे हमारी अमेरिका का डॉलर है, तो वैसे हमारे हर एक देश का अपना अपना करेंसीज होती हैं, अपनी अपनी मुद्रा होती है, और हमारे जैसे हमारे चीन का है यहाँ पे, अन्य भूटान का है, तो सभी फ्रांस का है, सभी देशों का आपको पता होना चाहिए कि उनकी मुद्रा क्या है, और किसी भी देश का पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो सऊदी अरब का जो होता है, सऊदी अरब की मुद्रा यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो हमारी रियाल होती है, रियाल, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा, और अन्य देशों की मुद्रा भी आपको देखनी है ताकि आप अन्य क्वेश्चनों को इन पर आधारित क्वेश्चनों को कर सकें। तो ये हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पे जीके और जीएस के क्वेश्चनों को देखा दोस्तों, और इन पे आधारित आपके जो क्वेश्चन अब आगामी परीक्षाओं में आएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और देखिए अन्य क्वेश्चन जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप देखेंगे, तो आप उनकी तैयारी इस तरह से ही करेंगे कि उन पर आधारित जो अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप उनके साथ ही तैयार करेंगे, ताकि आप परीक्षा में आने पर उनके आधार पर हर एक क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने कुछ इस तरह के क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।